उसको ठंडा करेंगे हम लोग। ये हुड़का जाम नहीं, नाम नहीं, ये अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार हो जाए। और हम पूर्वी समाज चुपचाप बैठे हुए हैं, हम झारखंड की बात करेंगे। उसके बाद देखे हमारी मांग कैसे पूरा नहीं होता। और अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उस समय अनुशंसा किया था, और आज उसके अंदर में जनजातीय मंत्री भी है, तो उन्हें निश्चित रूप से इस मांग को पूरा करना चाहिए और इस समाज के भावना का कद्र करना चाहिए। मैं इस मन से अपनी मांग करता हूं उन्हें। साथ ही आज हम लोग यहां से संकल्प लेकर जाएं, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि 3 बजे तक का अल्टीमेटम है, लेकिन उसके बाद मैं देखा कि भाई 3 बजे तक का हमारे अध्यक्षता जो कर रहे उन्होंने कहा कि 3 बजे तक बिल आने का है। मुझे इंतजार करना चाहिए था कि 3 बजे तक, लेकिन उसके पूर्व में ही कई लोग अर्जुन मुंडा आए हैं। अगर उन्हीं से उम्मीद भी करते हैं तो इंतजार 3 बजे के जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और जिस जोश जुनून के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ संकल्प लेके जाए कि जब तक हम लोग एसटी सूची में शामिल नहीं होंगे, हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। इसके लिए जो काम करना पड़े, जो करना पड़ेगा करेंगे। पूर्वी एकता जिंदाबाद। रेल में रेलगाड़ी से जो हम लोग बढ़ने आए हैं, एक सीट में 4-5 मिलकर ठूस ठूस के जिस प्रकार आए हैं, उसी तरह सभी बहने कसम खाइए और ठूस ठूस के पिटेंगे। अगर हम लोगों को एसी का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग कूट कूट कर तुम उसको एसी करेंगे। इसलिए सभी बहने याद रखेंगे, हम लोग खेत में जाते हैं काम करने तो सोचते हैं कि कहीं पर अगर थोड़ा सा डोभा रहता है तो उसमें सोचते रहे थोड़ा सा छिटेंगे तो मछली मिलेगा, तो उसको खून खून के कैसे उसका चिपट चिपट के करते हैं, उसी तरह चिपट चिपट के मारेंगे। कोई भी अगर हम लोग ऐसी अगर ऐसी दर्जा नहीं मिलेगा तो खून खून के उसको ठंडा करेंगे हम लोग। इतना ही करके हम अपना वाणी को विराम करते। दिल्ली संसद भवन हुड़का जाम के लिए जो आए हुए हैं, आज एक दीदी अभी बोल रही थी कि हमारा टेलर, ये सिर्फ एक टेलर है, और आज हमारे 3 बजे तक और ये मुंडा हमारा यदि बिल नहीं लाते हैं तो आज हम लोग पूरे दल बल के साथ संसद मार्ग पर चलेंगे और संसद भवन को हुड़का जाम करने का कार्य करेंगे। इसलिए ये सिर्फ एक टेलर है और हमारा जनता जग चुके हैं, हमें ठकना बंद करें। अब हम लोग ठकाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें एक वोट बैंक बना के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं यही चंद शब्दों के साथ अपनी बयानी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। नहीं आती है तो भाई कहना चाहता हूँ मैं समाज के माध्यम से कि आप लोग सभी बैठे हुए हैं, हम लोग संकल्प लेके जाए, हम लोग 1952 से वोट दे रहे हैं। अब हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे जब तक कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं करेगा। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, चाहे एमएलए का वोट हो, चाहे एमपी का वोट हो, हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। आज हम लोग इसी संकल्प और इसी विश्वास के साथ हम लोग यहाँ से जाने का काम करें। बहुत से वक्त है इसलिए जाना बात नहीं करते, मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने मुख्य बातों को रखे हैं, निश्चित रूप से हम सारे कुर्मी समाज के लोगों को जो भी सरकार चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से हमें छलने का ठगने का काम किया है, और हमारे कुर्मी समाज अब ये जो तानाशाह की नीति है इसे समझ चुकी है। अब हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई है और हमारी मांग भी जायज है। हमारी जो मांग है ये बरसों की मांग है और हमें हमेशा राज से
तो कभी केंद्र से चलने का जो काम किया जा रहा है ये चलने को नहीं है। जैसा हमारे पूर्ववक्ताओं ने सारी बातों को रखे हैं कि आने वाले दिनों में चाहे जिस दल के लोग हों, अगर कुर्मी का हित का बात नहीं करते हो तो चाहे बीजेपी हो या जेएमएम हो या आजसू हो, सभी जगहों से जहां हमारे कुर्मी जाति निर्णायक हैं, हम विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव में वैसे नेताओं को आकाश दिखाने का काम सारे कुर्मी समाज मिलकर करेंगे। बोलना तो बहुत कुछ है मित्रों, लेकिन हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं और संक्षेप में अपनी बातों को रखनी है, इसलिए 3 बजे तक हमें काफी उम्मीद है, आशा है कि कुछ हम लोगों का हित में आज संसद भवन में बिल लाने का शुभ संकेत मिलना है। यदि 3 बजे तक कोई निर्णय नहीं आती है, इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आगे की आज की ये लड़ाई जो है, आज की ये शुरुआत है, टेलर है, अभी पिक्चर आगे बाकी है और हम तमाम कुर्मी मित्रों से, माताओं बहनों से एक बार जोरदार नारा के लिए आग्रह करेंगे, कुर्मी एकता जिंदाबाद। के स्थान पर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा से हजारों हजार की तादाद में कुर्मी समुदाय के लोग यहां पर, हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं। मुख्य मांगे इस पवित्र स्थान से हम लोग संसद भवन हुड़का जाम का जो हम लोग नारा लगाए थे, ये हम लोग का विगत छह महीना से हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे थे हुड़का जाम का। हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, ओडिशा रो अस्तित्वा मोर कुर्मी सेनारो संग्रामी भाई भौणी से अपन मन समस्त आसन ग्रहण करंतु एवं अपन परिचय झंडा को उपरको रखंतु, बैनर अपन मारी पर पानी पानी पीकी बसंतु। ओडिशा से जो है रास्ते में बहुत तकलीफ हुआ, कोई ब्रश नहीं किया, कोई बाथरूम नहीं किया, लेकिन डर गया उसका समाज का अधिकार के लिए जंतर मंत्र के पास और हमारा दोस्त बहुत को रोका गया है यूपी बॉर्डर में और वहाँ दिल्ली बॉर्डर में, ये सब नमूना है जितने है वो लोग आ रहे हैं। तो जो भी हो ओडिशा से जो है आप पानी पानी पी के बैठिए, एक दिन नहीं करने से नहीं मरेंगे, बॉर्डर का सेना बहुत ही नहीं करते, तो ठीक है आप शांति से बैठिए और भाषण सुनिए। और इसी साथ अपने बात को हम आगे बढ़ाते हुए बंगाल उड़ीसा से नौजवान साथी, महिला पुरुष, कुर्मी समुदाय से सभी को मैं अपने ओर से हार्दिक झारखंडी में जोहार करता हूँ। कुर्मी समुदाय को 72 वर्षों से जिस तरह छलने के काम सरकार के द्वारा किया गया है, उसी को लेकर कुर्मी समुदाय आज से महज 1 महीना पूर्व झारखंड, बंगाल, उड़ीसा रेल टेका का भी अभियान हम लोग किए थे और 5 दिन हम लोग रेल रोकने के काम हम लोग किए थे। हम सरकार से मांग करते हैं कि कुर्मी समुदाय को, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल अगर नहीं करता है तो विगत आने वाला 2024 में कुर्मी बहुल इलाके में जो सांसद हो चाहे विधायक हो उनको कुर्मी समुदाय खुल करके विरोध करेगा और सत्ता में काबिज होने नहीं दिया जाएगा। कुर्मी समुदाय को चुनाव के वक्त में अर्जुन मुंडा के बारे में मैं बताना चाहता हूं, खुट्टी लोकसभा से अर्जुन मुंडा जी हार चुके थे लेकिन कुर्मी समुदाय तमाम विधानसभा क्षेत्र के कुर्मी समुदाय अर्जुन मुंडा को तहे दिल से अपने मत का
प्रयोग किया और कुछ मतों से अर्जुन मुंडा जितने का भी काम किया वो भी कुर्मी समुदाय के भोर से जितना काम किया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अर्जुन मुंडा हाल ही में कई जातियों को तमाड़िया जातियों की आदिवासी सूची में शामिल भी किया। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, अगर ये विशाल प्रदर्शन धारणा से अगर नहीं मानती है ये कुर्मी समुदाय पूरे बंगाल उड़ीसा और झारखंड में पुरजोर विरोध करेगा भारतीय जनता पार्टी को। दल एक अलग है, लेकिन मेरे समाज को अगर छलेगा तो कुर्मी समाज झारखंड बंगाल उड़ीसा को सारे कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी को विरोध करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी का विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड बंगाल उड़ीसा कुर्मी समाज जिंदाबाद। बड़े भाई दीपक दा ने जो बात रखे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं, आज जब हम लोग अंबेडकर भवन से जुलूस के तौर पर यहां पर आ रहे थे तो प्रशासन के आदमी हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे थे, उनके दिशा के आधार पर हम लोग इस मंच पर पहुंचे हैं। आगे हम लोग का बात अगर आज सदन में नहीं उठेगा 3 बजे तक तो कार्यक्रम का नाम जो हुड़का जाम दिया गया है ये हुड़का जाम नहीं, नाम नहीं, ये अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार हो जाए, क्योंकि सारा पूर्वोत्तर बता चुके हैं, प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि आपके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। अभी तक 3 बजे के बाद अगर मेरा बात मेरे आवाज हम लोगों के आवेदन को आप आगे संसद में नहीं पहुंचाएंगे तो इसके लिए दिल्ली प्रशासन जिम्मेवार है। हम लोग आपका बात रखने के लिए बंद नहीं होंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप भुगतने के लिए जिम्मेवार रहने के तैयार हो जाइए। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। इस बैनर में आप देख रहे हैं जिन समाज के अगुआ नेता का बलिदान से देश आजादी में भागीदारी मिला, आप देख सकते हैं रघुनाथ बाबू से अगर चालू किया जाए तो पूरा लंबा लगा हुआ है, जिनके शहीदों से देश अलग आज हुआ, देश बना और उनके पूर्वज उनके आने वाले वंशजों से झारखंड अलग राज्य मिला। और उस झारखंड अलग राज्य में जब मेरे अभिभावकों ने कहा कि बंगाल और उड़ीसा झारखंड के कुर्मियों को 72 सालों से उसका अधिकार नहीं मिला, बात सही है, जिनके अधिकार को छीना गया है, जिनके लिए हम लोग रात दिन मतदान किए हैं या विधायक बनाने में है या सांसद बनाने में, वैसे लोग ने जिस चौखट में बैठ के संसद में कानून बनाते हैं, विधानसभा में कानून बनाते हैं, आज कुर्मियों को अधिकार देने में एक बात नहीं बोल रहा। और हम कुर्मी समाज चुपचाप बैठे हुए हैं, हम झारखंड की बात करेंगे जिनके कुर्मी के बलिदान से झारखंड मुक्ति बना, जिनके बलिदान से झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार बनाया और उसका परिवार मुख्यमंत्री बैठ के बना हुआ, कभी भी एक आवाज नहीं आया कि जिस परिवार की भूमिका अहम रही, जिस परिवार की भूमिका 72 साल पहले एसटी में शामिल था वो आज कहां है। हम आज इस मंच से आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं, आप तैयारी कर लो अगुआ नेता, आज हुड़का जाम है, पूरे झारखंड से खनिज संपदा एक भी बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक कुर्मी के एसटी में शामिल। समाज तय करे जो जो जिस क्षेत्र से जिस खनन है, लोहा है, बड़क है, कोयला है, पत्थर है, बालू है, तय कर लीजिए 1 इंची यहां से नहीं खसकने देंगे जब तक झारखंडियों कुर्मी को अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक नहीं हिलेंगे। हम लोग तय करते जाते हैं, आज ये निर्णय लीजिए आर पार की, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, अब कुर्मी महत्व का जो अधिकार का बात करेगा हम उसी का अधिकार पहुंचाने का बात करेंगे, नहीं तो वह इसकार होगा जब तक कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होगा तब तक।